फिर से पंगे गाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसको इसके आगे बाइक लगा दे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस आप सोच रहे होंगे आज अंकू बढ़िया अनक शनक लगा के घूम रहा। तो गाइस कुछ थी गर्मी बहुत थी, बाहर आंखें नहीं खुल रही थी, मेरे साथ गॉगल ही लगा लेते। तो मेरी एक गॉगल ना शैबी के पास है, एक नहीं दो गॉगल मेरी शैबी के पास, और शैबी को पता होगा कि हाँ शैबी के पास मेरी दो गॉगल है। तो जा रहा था व्लॉग शूट करने, तो मैंने सोचा इंट्रो घर पे ही दे देते हैं। तो आज भी मैं आरएस पे व्लॉग करने वाला हूँ, तो शफकतर को मैंने बोला वेट करो मैं आऊँगा, तो पेट्रोल भी वहीं से फिल करवाएंगे आज, अभी उधर तक तो मैं बाइक पहुँचा दूंगा। तो शफकत की फ्रेंड भी आ रही है चंडीगढ़ वाली, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, आप सबको पता है, बताता तो है नहीं मेरे को कुछ, तो हम उसको बेस्ट फ्रेंड ही बोलेंगे। तो उधर जाएंगे, उनके साथ राइड वगैरह करेंगे, देन देखते आज का व्लॉग कैसा रहता है। तो बाकी बताना कि गॉगल कैसी लग रही है आपके भाई पे, क्या पता कोई लड़की हमें भी भाई पसंद कर ले। तो चलते हैं, मिलता हूँ सीधा बाइक। तो अब निकल रहे हम राइड पे, शाम हो गई है काफ़ी। कैसे हो, कैसे हो, ठीक हो, कहाँ घूम रहे हो हाईवे पे, और बताओ सब ठीक। चलो कोई बात नहीं, ओके। आ गए गाइस सब, तो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिल गए। तो गाइस मुझे तो मेरी RR 310 की बहुत याद आ रही है, बट बहुत से बंदों के ये कमेंट आए आज की वीडियो में RS। तो भाई ये रखिए आपके RS आपके पास, जितने ब्लॉग्स बोलोगे उतने ब्लॉग्स इस पर ले आऊँगा। गाइज रईस ने ना पीछे फोल्डिंग नंबर प्लेट लगवा ली है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली है, वो देखो। चल आगे गाइज, वे देखो नंबर प्लेट फोल्डिंग। तो मेरे को भी बताना ये टेडी टेल, जैसे मैं अपनी RR लेके आऊँगा तो मैं भी अपनी बाइक में ये लगवा लूँगा, अगर आप सब बोलोगे तो। अभी शफकत और शफकत की जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता ही होगा जो भी है। तो ये रहे हमारे V3 बोस, हेलो V3 बोस। और ये हमारी दीदी पीछे बैठे हैं जो बड़े हैं हमसे। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स बोलते हैं भाई आप हर एक लड़की को दीदी क्यों बोल देते हो। भाई हर एक लड़की को दीदी इसलिए बोलता हूँ कि भाई एक बारी गलती से मुंह से आंटी निकल गया था, तो फिर थोड़ी सी ना बेइज्जती सुनने को मिल गई थी। तो दीदी ठीक है, बेशक जिसकी मर्जी फ्रेंड हो, तो आई डोंट केयर, बट जो लड़की दीदी ठीक है। तो अभी चल रहे हैं आगे। ये देखो न्यू RC आई है 200, इसका मॉडल मुझे अच्छा नहीं लगता, जो बट पहले वाली थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी भाई। मेरी RS किसी से कम नहीं, और ख़ास करके ये मेरे बड़े भाई की बाइक, अगर मैं इसको किसी से हराऊंगा तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो मैं अपनी RS की 200 किसी CC से बेइज्जती तो करवा नहीं सकता। ये देखो भाई RC 200 को भी गुस्सा चढ़ता कि RS उससे टक्कर ले रही है, और जब कोई बगाए साथ में तो फिर आपको पता ना, इसको जहाँ से भी साइड मिले ये वहाँ से भी ले ही लेती है। अगर इसको इधर से चाहिए होगी, ये कहीं से भी, मेरी जो RS बाइक है ना ये कहीं से भी निकल जाती है। मुझे साथ में एक राइड करने के लिए एक अच्छा राइडर चाहिए होता है, जो मेरे साथ राइड करे और मुझे लगे कि भाई अच्छी राइड कर रहा है, मैं उसके साथ राइड करने में एकदम कंफर्ट हूँ। सीधी बात है, मैं अगर मेरे साथ कोई बंदा बाइक भगाएगा, मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई तू छपरी है तू ये है, मैं बस इतनी चीज़ बोलता हूँ कि मुझे अगर वो बंदा लगेगा कि अच्छी राइड कर रहा है तो भाई मैं उसका राइड करूँगा। गाइज उसकी फ्रेंड बोल रही है कि आस्था चल, शफकत बोल रहा है अभी मैं कौन सा तेज चल रहा हूँ यार। भाई कोई कोई लड़की होती है जिसको पीछे बैठने के गट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सबको तो नहीं होते होंगे ये बात, सब लड़कियों को पता है। भाई कोई कोई तो लड़के भी ऐसे होते हैं जो पीछे बैठने से डरते हैं, मैं खुद ही नहीं किसी के पीछे बैठता हूँ, तो मैं किसी को क्या बोलूँ, मैं अपने लिए बोल देता हूँ। अगर अपने ग्रुप का अगर कोई राइडर होता है मैं उसके पीछे नहीं बैठता हूँ, मैं बोलता नहीं यार मेरे को डर लगता है, क्योंकि जो बंदा खुद ड्राइव करता हो ना तो वो किसी के पीछे बैठने से हमेशा ही डरता है यार। यो क्लोज कॉल गाइस, बस सिटी पहुंच गया, तो अब हाइपर राइड होने वाली है, तो मजा आएगा आपको देखना। आज हाइपर राइड होनी चाहिए शफकत, चल। क्या हुआ दीदी बोल रही है मेरे को उतारो और फिर करो, शफकत भैया को बोलो कि आपको उतारे। गाइस फाइनली सिटी पहुंच गए हैं, और शफकत के साथ आज रेस होने वाली है सिटी के बीच में हाइपर राइड, वो देखो। आज मेरे पास 200 सीसी है और उसके पास है, मेरे ख्याल से ना इसकी फ्रेंड डर रही है, तो शफकत इसलिए उसको बार बार बोल रहा है कि पकड़ के बैठो, वो उसको पकड़ के नहीं बैठ रही है क्योंकि शफकत तेज चलाएगा। भाई मैं आगे आ गया, वो रो रही है कि आज तक चलाओ, रही देखो ट्रैफिक वाले सर खड़े हुए हैं, सर शफकत को पकड़ो, शफकत पीछे आ रहा है।
ओ ओ ओ ओ अब इसकी दोस्त ना डरेगी कि आस्ता चला ले। मैं इसको अपनी बाइक से पंप दे रहा हूँ कि चल जाने दे। लकी रेस गाइस। गाइस छोड़ो यार, मैं ना छोड़ देता हूँ, ये ना हो कि मेरे चक्कर में इसकी दोस्त ना उड़ के अपने घर पे पहुंच जाए, तो फिर शफकत जब पीछे मुड़ के देखा कि आप पीछे ही हो, तो मैं इसको कॉल करके बोले नहीं मैं तो कब से घर पहुंच गई हूँ। भाई डरपोक दोस्त। हद होगी यार, अंकल ने मेरे ख्याल से आवाज मारी। फिर से पंगे हो रहे हैं। अब तो रेस भी पीछे है। इधर नाका लगता होता है यार। ओ भाई, मैंने बोलता ना यहाँ पे नाका लगता था, बट अभी नहीं है। रेस और शफकत की रेस लगी और मैं क्यों पीछे हूँ, मेरे को भी आगे निकलना है इनसे। क्या हुआ? रो रही है बहन, रो गई बहन, रो रही है। छोड़ो यार दीदी, रो रही है, रेस ही नहीं करने का इस, कैंसिल छोड़ो। जब कभी लाइफ में अपनी फ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड लेके आऊँगा ना, तो फिर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरी वीडियो शूट करो, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है जो नहीं डरती है। गर्लफ्रेंड दोस्त जो भी, बट इस ये दीदी ने तो यार। क्या हुआ शफकत? क्या हुआ? ओके दीदी जाओ। शफकत की फ्रेंड बोल रही है कि आप मेरे को यहीं पे छोड़ दो, मैं आपकी बाइक पे और देर नहीं बैठना है, ये ना हो जो घर जाने से पहले मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है जी, शफकत को मैंने बोला उतार दे जहाँ पे बोल रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली शफकत ने अपनी फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया है, तो अब हम निकल रहे हैं घर वाली तरफ। तो शफकत आज अकेला ही तब से बाइक ना खींचे जा रहा है, तो हमें देख भी नहीं रहा। तो अब बड़ा नाटक हो गया, अब हम शफकत को पीछे करेंगे यार। इसीलिए मैं दिखाऊंगा आपको टायर, हाँ अगले महीने तक इसका हम टायर डला लेंगे। तो नाका देखो यार, कितने बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए पुलिस वालों ने यार, वो देखो। ओ भाई 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 भाई, देखा पुलिस वालों ने अपने से भी बड़े डंडे पकड़े हुए थे यार। ये देखो इधर भी आपको नाका दिखाता हूँ, मतलब अब खैर नहीं है बाइकर्स की जम्मू में। देखो ये देखो, एक दो मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है भाई इधर से निकलना। तो गाइस ये पूछ रहा है, मैंने भी अपनी बाइक पे लगाना। यह बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये ठीक है यार। पीछे अपनी गर्लफ्रेंड बैठी हो, आगे मैं बैठा हूँ, बारिश हो रही हो। हाँ सबके के साथ रेस यार, हाइपर आइड हो गया। यार शफकत की आपको पता है पिछली ब्रेक भी नहीं और फिर भी इतनी अच्छी ड्राइविंग कैसे कर लेता है यार, कुछ समझ नहीं आती। गाइस ये जो पानी है ना, बस मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है पानी है। जब मैं बाइक चला रहा हूँ तब मैं पानी का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं आपको पहले बोलता कि कभी मेरी रेस लगी हो ना किसी के साथ, तो मैं बाइक हारने के लिए तैयार हूँ, बट पानी में पैर गीला करके ना बाइक चलाने की कोशिश करता हूँ तेज, और ना काट मारने की। पानी बंदे को गिराता ही गिराता, चाहे जो मर्जी हो जाए। बोलता ना ओए थप्पड़ नहीं मार, हेलमेट हिलता है। थप्पड़ मारा तो मैं बताऊंगा मजा, ये भागने की कोशिश करूंगा। रेस किसको रोक, किसको मारूंगा।
टक्कर इसको इसके आगे बाइक लगा दे। आपका बीपी बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज बंदे की कोशिश करता है। अगर गई पूरा तो बता दो यार, इसको पकड़ यार। भाग गया। वो देखो भाग रहा था पर पकड़ा गया। मार इसकी को मुक्का मार, एक मुक्का मार। मार तो पड़ेगी, तू भाग गया पुत्रा। ओ इसे तो बोलो पकड़, तू क्या कर रहा है तब से। पकड़ तू इसके आगे बाइक लगा। गाइस को मारना तो है, जो मर्जी उसको बदला लेना। आपका बीपी बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज। अभी भी डर रहा है, कहीं मारे मत। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मारूंगा। जा रहे हो? चल ठीक है, चल ठीक है, बाय बाय। चल ठीक है, ओके रईस। गाइस इसको सब्सक्राइब कर दो, रईस मल्लिक को इसके 40-50K करवा दो। गाइस अब हम निकल गया घर। आज तो ना रोज लेट हो जाता हूँ यार। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच गए। तो जैसे उस दिन मैंने प्यारी सी वॉइस नोट आपको सुनाई थी, तो आज भी एक छोटे से सब्सक्राइबर ने बहुत सी अच्छी वॉइस नोट भेजी है। तो यार जब मैं वो सुनता हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसकी भी सुना देता हूँ आप सबको, क्योंकि आप सब हो जिसके साथ मैं मतलब अपनी सब चीज़ें शेयर करता हूँ। तो वेट करो, उससे मैं ढूँढ ही रहा हूँ तो बहुत से वॉइस नोट आते हैं, तो ये रहा, आप सब सुन लो। अरे भाई भाई मेरा नाम हर्ष है, प्लीज व्लॉग के अंदर मेरा नाम ना। हर्ष भाई मैंने आपका नाम व्लॉग में ले लिया, तो मुझे आपकी वॉइस नोट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और आप बोलते हो कि मैं आपकी तरह बाइक चलाता हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप छोटी बाइक चलाते होंगे, आपकी आवाज़ सुन के तो यही लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप मेरे लिए भेजते हो, तो बस आप सबकी सपोर्ट है मेरे को। मेरे जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, तो जितना मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे इंस्टा फैमिली, दिल से आपको थैंक यू सो मच। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।